जय हिंद, सलाम और आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार और अपनों के साथ होंगे। आज के वीडियो में आपका स्वागत और ये सूचना सभी ऐसे विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए जो भी पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए या फिर जो एमफिल करने के बाद पीएचडी करना चाहते हैं या जो एमए के बाद भी पीएचडी करना चाहते हैं, एक विश्वविद्यालय के निकले हैं फॉर्म पीएचडी के विषय के लिए, क्योंकि यूजी और पीजी के फॉर्म्स की डेट ख़त्म हो गई है लेकिन पीएचडी के लिए आवेदन करने की इसकी डेट अभी शेष है और 4 दिन बाकी हैं आज से, यानी कि अर्थात 8 अक्टूबर को इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म और फीस जमा करने की। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने होंगे, एग्ज़ाम का समय कब होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होगा, कितनी फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की और किस किस विषय में निकली हैं पीएचडी की सीटें और ख़ासकर कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको एंट्रेंस से छूट दी जाएगी, अर्थात कुछ विद्यार्थियों को एग्जामटेड भी किया गया है इस विश्वविद्यालय में, उसकी भी डिटेल में जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले यही अपील कि वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक शेयर तो बाद में कीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब भी बाद में कीजिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म में बहुत ही कम दिन शेष हैं। और सूचनाएं अच्छी लगने के बाद लाइक शेयर डिसलाइक या अनसब्सक्राइब जो करना है वो आप कर दीजिए, मेरा काम है सूचनाएं देना, आपका काम है उसको नापसंद और पसंद करना। सूचना करते हैं शुरू। विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। जी हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यूपी के अयोध्या में निवासरत है, यानी कि स्थापित है। इस विश्वविद्यालय में आप सत्र 2020-21 के लिए पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ वह मैंने आपको बता दी है, इसकी डेट्स क्या है। मैं आपको सब्जेक्ट या बता देता हूँ कि किस किस विषय में पीएचडी की सीटें निकली हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। फिर मैं उसके बाद बताऊँगा परीक्षाओं के पैटर्न के विषय में, कौन एग्जामटेड है, कैसे एग्जामटेड है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन पहले आप सब्जेक्ट को नोट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले एक और दो चीज़, विशेष रूप से पहली चीज़ कि कुछ कोर्सेज इसके अंतर्गत कैंपस के अंतर्गत होंगे, यानी कि जो अवध विश्वविद्यालय का कैंपस है उसके अंतर्गत कुछ विषयों की पढ़ाई होगी रेगुलर मोड पे, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई आपको अफिलेटेड कॉलेजेस से करनी होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं आपको जो पढ़ाई अफिलेटेड कॉलेजेस से होगी, आपका संबंध जरूर रहेगा विश्वविद्यालय से, लेकिन हो सकता है आपकी गाइड और आपके एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है वह कैंपस से बाहर होंगे, लेकिन आपको कैंपस में आने जाने की मनाही नहीं है, स्टडी या लाइब्रेरी यूज़ करने की मनाही नहीं होगी। इसीलिए पहले जो यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कैंपस के कॉलेजेस हैं जहाँ से आप पीएचडी करेंगे, उन पीएचडी के सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए और इन सभी विषयों में पीएचडी की सीटें निकली हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। इसमें और टोटल जो पीएचडी के विषय हैं उनकी संख्या है 22, यानी कि 22 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए सीटें निकली हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं यह आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट सर्च करेंगे या उसके अंतर्गत विभाग को सर्च करेंगे तभी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं है। आप विषय सुनिए कि किस विषय में निकली है पीएचडी की फॉर्म। सबसे पहला विषय है मिलिट्री साइंस। जी हाँ, मिलिट्री साइंस, साइंस और सेना से संबंधित ये विषय है, इसमें निकली हैं पीएचडी की सीटें। अगला विषय है फिजिक्स का, साइंस का विषय है ये भी, और एक और विषय है एजुकेशन, फिर है कॉमर्स, फिर है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तीन पार्ट, 3 से 4 पार्ट होते हैं इतिहास के, एंशियंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है, एक और नया आया है पोस्ट मॉडर्न, और एक आया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो उसी में से 2 पार्ट है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें निकली है पीएचडी की सीट है। और इसी के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में अलग पीएचडी के लिए आवेदन है और मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री में अलग आवेदन है। आप यदि हिस्ट्री से एमए किए हैं तो आप दोनों ही विषय में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन जब आप रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएंगे आफ्टर एंट्रेंस बिफोर इंटरव्यू,
तब आपको ये चूज करना होगा कि आपके रिसर्च का जो टॉपिक है, रिसर्च का एरिया है, यदि आपने एंशियंट हिस्ट्री में अप्लाई किया है तो एंशियंट हिस्ट्री का ही टॉपिक लेकर जा सकते हैं यहाँ, ना ही मॉडल, ना ही मॉडर्न का और ना ही मेडिवल का। और यदि आपने मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो आप एंशियंट हिस्ट्री का या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक लेकर नहीं जा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आपकी परीक्षाएँ होंगी, हिस्ट्री के विषय में बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में जब अप्लाई करेंगे आप एंशियंट हिस्ट्री में, तो 100 क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री से करे जाएंगे। और जब आप मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री में अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, तो 100 क्वेश्चन आपसे मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री करे जाएंगे। इस बात का भी याद रखिएगा। और इसी वीडियो में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन टोटल किए जाएंगे, कितने क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और पेपर रिटर्न में आएगा या एमसीक्यू आएगा, और कितने घंटे का पेपर होगा। कोरोना की वजह से बहुत प्रवेश प्रक्रियाओं के प्रारूप में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, वह सभी आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को बारीकी से सुनिएगा और चीज़ों को नोट करते रहिएगा। हिस्ट्री के बाद अगला विषय जिसमें पीएचडी की सीट निकली है वह है हिंदी, यानी कि साहित्य। आपने साहित्य से एमए किया है या हिंदी से एमए किया है, या आपने किसी भी भाषा के साहित्य से, अपने भाषा विज्ञान से क्या हो, उर्दू भाषा के साहित्य से क्या हो, यह आपको विश्वविद्यालय से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसमें विषय लिखा हुआ पर्टिकुलरली हिंदी, साहित्य शब्द नहीं जुड़ा है, हिंदी जुड़ा हुआ है, तो हिंदी में पीएचडी की सीटें निकली हैं। अगला विषय है संस्कृत, संस्कृत, फिर है पॉलिटिकल साइंस, फिर है सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र, इस विषय में निकली है पीएचडी, फिर है इकोनॉमिक्स और फिर है ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री कंबाइंड सब्जेक्ट है ये। एंशियंट हिस्ट्री का अलग है, मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है। फिर है कॉमर्स, एजुकेशन, फिजिक्स एंड मिलिट्री साइंस। क्षमा कीजिए, ये जितने भी मैंने नाम बताए ये 16 सब्जेक्ट हैं टोटल। इन सभी की पीएचडी की सीटें अवध विश्वविद्यालय से अफिलेटेड कॉलेजेस में हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी अफिलेटेड कॉलेज हैं ये अवध और अयोध्या के ही आसपास के होंगे, और अगर कहीं दूर हुआ तो बेशक हुआ, लेकिन यूपी से बाहर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसे विषय जिनकी पढ़ाई लिखाई या जो अफिलेटेड कॉलेजेस नहीं है, कैंपस बेस्ड सब्जेक्ट हैं, वह सुन लीजिए, जहाँ पीएचडी के लिए आवेदन करेंगे, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, और अंतिम सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, और उसके बाद है फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन विषयों के, इन 6 विषयों के पीएचडी की सीटें कैंपस बेस से निकली हैं। तो किस सब्जेक्ट की सीटें निकली हैं, कौन से अफिलेटेड हैं, कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के हैं, वह मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अगले चीज़ों की, एलिजिबिलिटी की। यदि आपने एमए पास कर चुके हैं और आपके 55% अंक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो, और पीएच कैटेगरी के, एससी एसटी प्लस पीएच कैंडिडेट हैं, तो आप अगर 50% भी लाते हैं एमए में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ या बताना चाहता हूँ, चीज़ें बहुत छोटी अवस्था में हैं, देखने में दिक्कत हो रही है, इसके बाद बात करेंगे फेस की। 2 चरणों में आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बता दूं, ग्रेजुएशन में 55% होना बेहद ज़रूरी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन जो मिलेगा इसमें, ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का। जनरल के लिए 55% है, एससी एसटी ओबीसी और पीएच के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, ऑनलाइन मोड पर सब कुछ होगा, परीक्षा का फॉर्म भी ऑनलाइन होगा, आपकी फ़ीस भी ऑनलाइन जमा होगी। पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये जब पेपर होगा और पेपर कब होगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे कुछ नियम कानून की, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह क्या रहेगा, और एग्जामटेड कौन होगा। पहले एग्जामटेड की बात कर लेता हूँ। जो भी ऐसे विद्यार्थी
जो अपना एमफिल कंप्लीट कर चुके हैं, एमफिल पास डिग्री हैं या एमफिल की मार्कशीट है, डिग्री नहीं आई है या एमफिल कर चुके हैं, पास एग्ज़ाम हो चुका है, वायवा हो चुका है, ऐसे सभी विद्यार्थी को एंट्रेंस से छूट दी गई है। वह डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन उनको भी आवेदन करना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर टीचर हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड पे पढ़ा रहे हैं, उनको भी एग्जामटेड रखा गया है प्रवेश परीक्षाओं से। तीसरी चीज़, जिन भी किसी का नेट है या JRF है या स्लेट है, स्टेट लेवल का जिसे नेट बोलते हैं, नेट JRF एंड स्लेट है और पास हो चुका है, उसका प्रमाण यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास है, ये तीनों ही कैटेगरी के विद्यार्थी भी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनको भी एग्जामटेड रखा गया है। फिर से मैं बता दूं, 5 कैटेगरी के लोगों को एंट्रेंस एग्जामटेड रखा गया है। पहली कैटेगरी है नेट JRF, नेट है, सेकंड JRF, दूसरी स्लेट है, तीसरी ऐसे टीचर जो रेगुलर मोड पे पढ़ा रहे हैं, स्टेट हो या सेंट्रल हो, और 5 में जो अपना MPhil कंप्लीट कर चुके हैं, इन सभी को एग्जामटेड रखा गया है। और प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो फीस रखी गई है, उसको भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जर्नल से आते हैं या OBC से आते हैं, जी हाँ, जो भी जर्नल से आते हैं और OBC से आते हैं, उनकी फ़ीस है 1000 रुपीज़, और जो भी SC हैं, ST हैं और PH है, उनकी फ़ीस है 500। जर्नल OBC के अलावा जो भी EWS हैं, उनकी फ़ीस भी 1000 है। SC, ST और PH के लिए 500, OBC, जर्नल, EWS के लिए 500 की फ़ीस है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की 10 अक्टूबर रखी गई है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो फीस सबमिशन है वह 2 दिन पहले करनी है आपको। 8 अक्टूबर तक आपको फ़ीस जमा कर देनी है और 10 अक्टूबर तक आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट रूप से भर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। और कोई ज़रूरी चीज़ अगर छूट जाती है तो मुझे बताइएगा, वीडियो में कमेंट करके मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। जो इसकी प्रवेश परीक्षा होगी वह लगभग, संभावित डेट नहीं दी है लेकिन मंथ और समय दिया है, लगभग वह नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकती है। नवंबर के फर्स्ट वीक तक प्रवेश परीक्षाएं हो सकती हैं और दिसंबर लास्ट तक, साल के अंत होने तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जनवरी में आपका इंटरव्यू होगा, यह भी बात सुनिश्चित कर लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न की। सबसे पहली चीज़, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, 50% क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएंगे और 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी से संबंधित आएंगे। याद रखिएगा, रिसर्च मेथोलॉजी में ओनली फॉर रिसर्च पूछा जाएगा, ना उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ना ही रीजनिंग होगी, ना GK, ना कंप्यूटर, ना ही कोई सोशली या पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर सवाल होंगे। 50% की आपकी ओनली फॉर शोध प्रविधि पूछी जाएगी, रिसर्च मेथोलॉजी पूछी जाएगी, इस बात का याद रखिएगा। और 50% आपके जो क्वेश्चन होंगे वह सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए। और अगली चीज़, जो भी आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वह 200 होंगे। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर और जो समय का जो टाइम और 200 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मेथोलॉजी के, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो समय आपको मिलेगा वह मिलेगा 3 घंटे का। 4 उंगली जरूर थी लेकिन आप 3 घंटे समझिएगा, 3 घंटे का टोटल समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई, अगला पॉइंट, जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो जर्नल हैं और OBC हैं, जी हाँ, जो भी जर्नल हैं और OBC हैं, उन सभी को 50% अंक लाने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अर्थात 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आपके 100 क्वेश्चन ठीक होना ज़रूरी है। यदि 100 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और 5% की छूट उन ऐसे विद्यार्थियों को मिली है जो PH हैं, SC हैं और ST हैं, OBC, जर्नल, EWS। OBC, जर्नल, EWS को 50% क्वालिफाई है, SC, ST और PH के लिए 45% क्वालिफाई रखा गया है, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। और साथ ही साथ
एडमिशन के बेस के समय आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्लस आपका इंटरव्यू सिनॉप्सिस, इन सभी का स्कोर मिला के यदि 75% या उससे प्लस होता है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा किस सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें निकली हैं, ये बता चुका हूँ आपको, डेट बता दी है आपको, फीस बता दी है आपको, सब्जेक्ट डिटेल में समझाए हैं मैंने आपको, और क्या परीक्षाओं का पैटर्न होगा, कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, और एक चीज़ साथ में बताना भूल गया, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंतर्गत, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं तो मुझे बताइएगा। और हाँ सॉरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलती से निकल गई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम के अंतर्गत, इसलिए एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसीलिए भी छोड़ते हैं कि यदि गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तभी संभावनाएं हैं आपकी कि अधिक से अधिक सवाल ठीक हो। यदि आपने 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको नंबर 170 में से मिलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपका स्कोर 200 में से बनेगा और आपकी भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि ज़्यादा सवाल आपके ठीक हो सकते हैं। पेपर का मीडियम हिंदी रहेगा इंग्लिश रहेगा ये भी क्लियर नहीं है, इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भी आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या नियम हैं फॉर्म भरते वक्त, उसका मैंने एक लिंक दिया है पीडीएफ फाइल का, उसको ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट का भी लिंक दिया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भी किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जानकारी को मैं यदि मैं समझाने में असमर्थ रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो आप मुझे सवाल करके पूछ भी सकते हैं। और डेट्स का ज़रूर ध्यान से ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया आपको 8 अक्टूबर तक अपनी फ़ीस जमा कर देनी है, किसी भी हाल में फ़ीस जमा कर देनी है 8 अक्टूबर को, और फॉर्म जमा करने के 2 दिन और हैं आपके पास 10 अक्टूबर तक, यानी कि 10 अक्टूबर तक फॉर्म कंप्लीट कर देना है और 8 अक्टूबर तक आपको अपनी फ़ीस जमा कर देनी है। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस जमा कर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि 9 अक्टूबर को फॉर्म भरेंगे और फीस जमा करेंगे तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए 8 अक्टूबर ही लास्ट तारीख समझिएगा। 2 दिन उनके लिए अतिरिक्त हैं जो किसी वजह से फ़ीस का इंतज़ाम नहीं करवा पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा उलझन हो सकती है, आर्थिक स्थिति सभी की सामान्य नहीं होती है, इसीलिए। और अंत में यही कहूँगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में निकले गए पीएचडी के लिए आवेदन सबसे अधिक से अधिक संख्या में कीजिए, अच्छे विषय हैं, अच्छा कैंपसेस है, इस बात का ध्यान रखिए, और सूचना को शेयर और लाइक डिसलाइक जो करना है आपको वो करिए। मेरा काम था सूचनाएं आप तक संप्रेषित करना, अब आपका काम है सूचनाओं को पास में रखना है या शेयर करना है। अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ आपसे मिलूँगा, और एक और एडमिशन को लेकर ही वह वीडियो होगा, उस वीडियो का वेट करिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपनों के साथ ही किसी भी कार्य की तैयारी कीजिएगा। सलाम, जय हिंद।